सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेसियों ने जताई चिंता। कांग्रेसजनों ने आरोप लगाया कि जो सड़क हनुमान चौराहे से लेकर नानाखेड़ी मंडी तक बनाई जा रही है उसमें कई तारीख की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। वहीं उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रोड में नगरपालिका अध्यक्ष की हिस्सेदारी है, जिसके चलते नगरपालिका का कोई भी इंजीनियर या टाइमकीपर इस रोड को देखने के लिए नहीं आता है कि इस पर किस तरह का काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें जो गिट्टी उपयोग में लाई जा रही है वह भी मानक स्तर की नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप नगरपालिका अध्यक्ष पर भी लगाए, साथ ही कहा कि जिस हिसाब से सड़क बनाई जा रही है ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। वहीं संगीन आरोप लगाते हुए उन्होंने जन सुनवाई में इसको लेकर एक ज्ञापन प्रेषित भी किया, जिसमें मांग की गई कि इस रोड की जल्द से जल्द जांच की जाए एवं ठेकेदार का पेमेंट रोका जाए। कुल बात यह है कि गुना के मध्य देवी रोड जो निकली है वर्तमान में जो शहरी क्षेत्र में आती है, इसका चौड़ीकरण का कार्य जो किया गया है, हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने अभी संपूर्ण जानकारी दी। मूल बात यह है कि किस तरह का ये कार्य हो रहा है, क्या इसमें गुणवत्ता सही है, क्या इसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, इस बात को लेकर हम शहर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, चूँकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, सीधे सीधे तौर पर जनता का इसमें पैसा लगा है, जिस तरह की जानकारी मिली है तो यह बात पूर्णतः सत्य है कि इसमें गुणवत्ताहीन कार्य चल रहा है, इंजीनियरों की कोई देखरेख नहीं है और जो इसमें तकनीकी खामियां हैं, इसमें कुटाई के वक्त वाइब्रेशन जो रोलर होता है वो इसमें चलना चाहिए, तो उसके एवज में सादा रोलर चल रहा है और इसमें GSB की नई डली और गिट्टी का जो 40 mm साइज है वो ओवर साइज में जा रहा है। भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं इसमें से बू आती है, क्योंकि आम जनता का पैसा है और आम जनता के हित की बात है। हम सबसे पहले प्रशासन से ये मांग करेंगे और शासन स्तर पर जो जिसका भी उसका भोपाल जाकर आला स्तर पर हम इसकी पहले तो इस कार को रोकने की मांग करते हैं और हम शासन से भी लिखकर ये मांग करेंगे कि नगरपालिका की जो तकनीकी टीम है इसके विपरीत काम रोककर एक PWD लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम बिठाई जाए, अच्छे उसमें इंजीनियर गुणवत्ता जो पूर्वक उसकी जांच कर सकें, निष्पक्ष उसकी जांच कर सकें और दोषी पाए जाने पर जो नगरपालिका का यांत्रिकी महकमा है और जो नगरपालिका का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर जनता के पैसे के साथ उन्होंने इस तरह का छलावा किया है तो निश्चित उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला गुना विषय हनुमान चौराहे से नानाखेड़ी गेट तक सड़क चौराहे निर्माण में भारी गड़बड़ी चल रही है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी आम जनता की भावना को समझते हुए यह मांग करती है कि उक्त सड़क का कार्य तुरंत रुकवाने का आदेश प्रदान करें एवं किसी पर 5 crore 75 lakh है उक्त सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा नगर पालिका के हमारे पास कई दिनों से आम जन की एक शिकायत आ रही थी कि नगरपालिका द्वारा जो हनुमान चौराहे से लेकर नानाखेड़ी मंडी गेट तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसमें ठेकेदार और नगरपालिका के इंजीनियरों की मिली बस से घटिया और गड़बड़ीपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में हम कल साइट पर भी गए थे, हमारे कांग्रेस जन, हमने उसकी जाँच भी की तो हम उसमें ऐसा पाया गया कि जो मटेरियल उसमें उपयोग होना चाहिए, क्रेशर का मेटल उपयोग होना चाहिए वो नहीं ठेकेदार द्वारा डाला जा रहा, थिकनेस प्रॉपर नहीं है, बाइवेटर रोलर से उसकी कटाई होना चाहिए, ना ही बाइवेटर रोलर का उपयोग कर रहा ठेकेदार। इस संबंध में कल हमने काफ़ी विस्तार से वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता है जिसमें से ढिल्लू वो जो कि सिविल इंजीनियर उनको हम साथ में ले गए थे, हमने भी सारी चर्चाओं के उपरांत ये पाया कि इसमें बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी है, जिस अनुपात में वहाँ गिट्टी डलना चाहिए, मिक्स मटेरियल डालना चाहिए, कोपरा डाला जा रहा है उसमें। इसी संबंध में हम आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे, हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमारी सारी हमने मांग रखी है कि किसी भी नगरपालिका से अन्य विभाग की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर उक्त सड़क की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जाँच कराकर जो व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।